इस पार्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है जो ए से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर अपोजिट साइड बी सी के मिड पॉइंट पे टच कर रही है। ए एम की लेंथ निकालने के लिए हमें एम के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। सो एम के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकालने के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि एम यहाँ पर मिड पॉइंट है। मीडियन हमारा मिड पॉइंट पे टच करती है अपोजिट साइड के। सो यहाँ पर इसके लिए लेबलिंग कर लेते हैं। लेट बी बी एक्स वन वाई वन, एम को ले लेते हैं एक्स वाई और सी को ले लेते हैं एक्स टू वाई टू और लगाते हैं यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला। स्वयं के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 4, 1। अब लेंथ ऑफ ए एम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। और इसके लिए थोड़ा सा लेबलिंग डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पर m को x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं और ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सो am की लेंथ आ रही है हमारी 5 units। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें गिवन है 3 vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो ए बी और सी के हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं और इनको हमें यूज करके डी 4th vertex के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम यहाँ पर पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जिसमें हमें पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स जो ये ओ पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ए सी का भी और बी डी का। और यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं ए सी में ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके ओ के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम के लिए लेबलिंग कर लेते हैं। ए को लेते हैं एक्स वन वाई वन, ओ को एक्स वाई ले रहे हैं और सी को ले लेते हैं एक्स टू वाई टू। नाउ लेट्स अप्लाई देम इन द मिड पॉइंट थ्योरम। सो ओ के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 5/2 and 1। नाउ यहां पर अब हम मिड पॉइंट थ्योरम बी डी के लिए यूज करेंगे और इसके लिए हम लेबलिंग कर लेते हैं। बी को लेते हैं एक्स वन वाई वन और ओ को एक्स वाई रख रहे हैं, डी को ले लेते हैं एक्स टू वाई टू और फिर से मिड पॉइंट थ्योरम यूज करते हैं। सो हमारे D के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 2। इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और शो करना है जो गिवन पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। हमने इन पॉइंट्स को इस तरीके से लिख लिया है और हम अज्यूम कर रहे हैं जो 5, 2 है पॉइंट ये 3, -2 और 8, 8 को किसी रेशियो में कट करेगा। तो हम इस रेशियो को ले रहे हैं k:1। इस सॉल्यूशन को हम 2 स्टेप में करेंगे। पहले पार्ट में हम यहाँ पर इस रेशियो की वैल्यू निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। तो इसके लिए हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। 3 - 2 को x1 y1 ले रहे हैं, 5, 2 को xy, 8, 8 को x2 y2 ले लेते हैं और सेक्शन फॉर्मूला में x का फॉर्मूला यूज करते हैं इस रेशियो को निकालने के लिए। सो k की वैल्यू आ रही है 2/3। सो हमारा रेशियो हो गया 2:3। सेकेंड स्टेप में हम 2:3 को रेशियो को यूज करेंगे और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 2 आती है दैट मीन्स ये प्रूफ होता है कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं।
सो अब हम सेक्शन फॉर्मूला में y का फॉर्मूला यूज करते हैं, सो हमारी y की वैल्यू आ रही है 2 एंड दिस मीन्स दैट ऑल दी थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर।